नमस्कार साथियों, गुरुकुल विजन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में कैलेंडर का कॉन्सेप्ट देख रहे थे, आज जो उसी का पार्ट थर्ड लेके आए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, कुछ क्वेश्चन है पार्ट थर्ड। इससे पहले दो वीडियो आ गया है कैलेंडर का। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है 0, 5, 1, 3। इसको बनाने का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए आपको पीछे वाले कक्षे में हम बता दिए हैं कि विषम दिन ऑड डे का कॉन्सेप्ट बताए थे। ठीक है, जैसे ऑड डे कहने का मतलब कि सप्ताह के बाद, जैसे अगर कोई बोले 15 दिन, अगर कोई बोले 15 दिन, 15 दिन बोलने का मतलब क्या कि दो सप्ताह एक दिन, दो सप्ताह होने के बाद जो ये एक दिन आ रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड डे बोलते हैं, इसी को हम लोग ऑड डे बोलेंगे ना। तो देखिए, क्या 15 दिन में एक ऑड डे होता है। ठीक है, ऐसे ही आपको याद रखना हो कि 10 दिन में कितने ऑड डे होते हैं, तो 10 दिन में कितने ऑड डे होते हैं, तो 7 से डिवाइड करके शेष पर लिख देना है, वही ऑड डे होता है। तो 7 से अगर डिवाइड करते हैं 10 को, तो शेष कितना बचेगा, 3, तो वही ऑड डे का काम करेगा, यानी कि विषम दिन, 3 विषम दिन हो गए, विषम दिन। ठीक है, 10 दिन में 3 विषम दिन। उसी तरीके से अगर देखें 100 दिनों में तो कितने हो जाएगा, 2 विषम दिन। 50 दिनों में कितने हो जाएंगे, 1 विषम दिन हो जाएंगे। कहने का मतलब कि 7 से किसी भी दिन को डिवाइड करके जो भी शेषफल आ रहा है उसी को क्या बोलते हैं, विषम दिन बोलते हैं। ठीक है, एक साधारण वर्ष। अब देखिए यहाँ पे एक दो याद रखिएगा कि एक साधारण वर्ष में विषम दिन, एक साधारण वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं, तो एक साधारण वर्ष में विषम दिन 1 होते हैं, 1। ठीक है, और एक लीप वर्ष में विषम दिन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन क्या है, जो भी हम बताएं आपको कि एक साधारण वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं, तो 1, और एक लीप ईयर में कितने विषम दिन होते हैं, तो 2। ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी है। तो एक साधारण वर्ष बोलने का मतलब क्या कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। 365 को आपको करना क्या है, तो 365 को 7 से भाग लगा के शेषफल कितना आएगा वही लिख देना है, जो वही विषम दिन का काम करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक साधारण वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं, तो 1 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, एक लीप वर्ष ब्रैकेट में अधिवर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। अधिवर्ष मतलब लीप वर्ष ही होता है, अधिवर्ष बोलने का मतलब क्या कि लीप वर्ष ही होता है। तो एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, तो अभी आपको हम जस्ट पीछे बताएं कि एक साधारण वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं, एक साधारण वर्ष में विषम दिन 1, तो एक लीप वर्ष में विषम दिन कितने, तो 2। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है, एक साधारण वर्ष में कौन से महीना जनवरी महीने के समान होंगे। ठीक है, इसको बनाते हैं हम लोग। एक साधारण वर्ष में कौन से महीने जनवरी महीने के समान होते हैं। तो देखिए, आपको हम पिछले क्लास में बताए थे महीने का कोड ना, तो महीने का कोड हम क्या बताए थे, अगर साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष
है, साधारण वर्ष उसको बोलते हैं जिसको चार से भाग लगाने पे भाग ना लगे, पूरा पूरा भाग ना लगे, उसी को साधारण वर्ष बोलते हैं। और जो चार से भाग लग जाए, पूरा पूरा भाग लग जाए, शेषफल जीरो दे, उसी को लीप वर्ष बोलते हैं। ठीक है, तो साधारण वर्ष का कोड आप लोग को बताए थे। साधारण वर्ष का कोड क्या होता है, 144, 025, 036, 146। ठीक है, और लीप वर्ष का क्या होता है, लीप वर्ष में महीने का कोड क्या होता है, तो लीप वर्ष में महीने का कोड जनवरी और फरवरी का सिर्फ एक-एक कम हो जाता है। जैसे यहां पे एक कम होगा तो जीरो, यहां पे चार में से एक कम होगा तो तीन, उसके बाद सब सेम हो जाएगा। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये महीने का कोड है। ठीक है, इसको आपको याद रखना होगा। बोल कह रहा है कि साधारण वर्ष में कौन सा महीने जनवरी महीने के समान हो। अब कौन सा महीने समान होगा जनवरी के, तो देखिए ये जनवरी जो है ये आपका एक है, और देखिए एक और कहाँ पे है, तो एक यहाँ पे है। तो ये जनवरी है और ये क्या है, अक्टूबर है। यानी कि जनवरी और अक्टूबर दोनों का कोड क्या है, सेम है, यानी कि वन है। तो ये दोनों महीने जो होंगे, दोनों महीने समान होंगे। ठीक है, किसी भी साधारण वर्ष का कोड अगर सेम होगा, जैसे जनवरी और ये अक्टूबर, तो देखिएगा साधारण वर्ष का दोनों, जो जनवरी है और जो नवंबर है, ये अक्टूबर है, वो दोनों जो होगा सेम डेट का होगा। अगर जनवरी का 1 तारीख जो डेट होगा, वही 1 तारीख अक्टूबर का भी होगा। ठीक है, यही होता है। साधारण जो वर्ष होता है उसका जो महीने जो होते हैं उसका कोड ये है और लीप वर्ष का कोड ये है। तो जनवरी से कौन मिलता जुलता है, अक्टूबर ना, ये देखिए अक्टूबर, अक्टूबर। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि साधारण वर्ष में कौन सा महीने दिसंबर महीने के समान होंगे, तो दिसंबर महीने का कोड क्या होता है, तो आपको हम बताया थे 144, 025, 036, 146 ना। तो क्या हो जाएगा, दिसंबर महीने का कोड कितना होता है आप बताइए, तो 6 होता है। ठीक है, जनवरी का एक होता है, ऐसे करके देख लीजिए, 144, 025, 036, 146। ठीक है, जनवरी का एक होता है। अप्रैल का कितना होता है, 0 होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 0। ठीक, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त का 3 होता है। ठीक, अगस्त, सितंबर का 6 होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि साधारण वर्ष में कौन से महीने दिसंबर महीने के समान होंगे, तो दिसंबर का कोड 6 होता है, और इसमें कौन किसका कोड 6 आ रहा है, तो सितंबर का कोड आ रहा है 6। यानी कि ये दोनों जो होंगे वो समान होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, एक साधारण वर्ष में निम्न दिए गए महीने में से 3 महीने किसी प्रकार समान है जबकि एक असंगत है, उस असंगत महीने की पहचान करें। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आता है तो बच्चे करते क्या है कि इन सब का दिन देखने लगते हैं। अगर दिन देखिएगा तो इसमें असंगत पता करना है, मतलब जो तीनों एक समान है और एक कोई असमान है उसको पकड़ना है। इसमें 29 मार्च का 31 महीना होता है, 31 दिन का। नवंबर का 30 होता है, फरवरी का 28 या 29 होता है। ठीक है, अप्रैल का 30 होता है। तो कुछ कॉमन पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं बनता है, इसमें कोड हमको देखना पड़ता है। कोड क्या है, तो कोड आपका ये है, कोड अभी तुरंत हम बताए थे। ऐसा गलती नहीं करना है, दिन को लेकर के नहीं बनाना है कभी। ठीक है, करना क्या है कि इसमें कोड लिखना है, 144, 025, 036, 146। कहने का मतलब ये हम बार बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपको याद हो जाए, ये महीने का कोड आपको याद हो जाए, 144, 025, 036, 146। हालांकि ये सिंपल है लेकिन बार बार बोलने से आप लोग को भी याद हो जाता है, हो जाएगा। ठीक है, तो मार्च का कोड क्या आएगा इसमें, 4 आएगा। ठीक है, नवंबर का कोड क्या आएगा उसमें, 4 आएगा। फरवरी का कोड क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, लेकिन अप्रैल का कोड क्या आ रहा है, 0। तो सबका कोड यानी कि मार्च, नवंबर, फरवरी, ये तीनों जो कोड, ये जो तीनों महीने हैं वो समान है, लेकिन अप्रैल समान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन
क्वेश्चन नंबर 6, लीप वर्ष में निम्न दिए गए महीने में से 3 महीने किसी प्रकार समान है जबकि एक असंगत है, तो असमान का चयन करें। इसमें भी हम आपको क्या करेंगे, ये लीप वर्ष जो है उसका कोड लिखेंगे। तो लीप वर्ष का कोड, लीप वर्ष के महीनों का कोड क्या होता है, तो 0 एक के कम हो जाता है ना, तो जनवरी का 1 144 होता है, तो 1 हो जाएगा कम 0, 03 40 25 0 36 146 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, क्योंकि यही कोड होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए जुलाई का कोड क्या होता है, जुलाई का कोड देख लीजिए यहाँ से, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई का कोड 0, और अप्रैल का कोड क्या होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 0, यानी कि दोनों सेम आ रहा है, तो असंगत इनमें से कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि 19 जनवरी 2023 को गुरुवार था, तो उस वर्ष 15 अगस्त को कौन सा दिन था। देखिए ये बनाने का तरीका क्या है कि जो भी डेट दिया है अगर सेम वर्ष में है तो उसको करेंगे क्या कि जो डेट दिया हुआ है उस डेट से, जैसे यहां पर दिया हुआ है 19 जनवरी 2023 को गुरुवार था, तो 19 जनवरी 2023 से जो हमको निकालना है 15 अगस्त 2023 के बीच तक का जितने भी दिन है सबको क्या करेंगे, सबको लिख करके 7 से भाग दे करके जो शेषफल आएगा उसको इसमें जोड़ना है। देखिए बनेगा कैसे, देखिए बोल क्या रहा है कि 19 जनवरी 2023 को क्या था, गुरुवार था। आपको करना क्या है 15 अगस्त, तो उसी वर्ष ना, तो 15 अगस्त 2023 उसी वर्ष बोल रहा है, तो 2023 होगा कौन सा दिन है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि जनवरी में मेरा 19 दिन चला गया है, अब जनवरी में कितना दिन बचा, तो 31 दिन का महीना होता है जनवरी, 31 दिन में हम 19 दिन चला गया है, कितना बचा यहाँ, तो एक 12 दिन बचा जनवरी में, कितना 12 दिन। ठीक, उसके बाद सबको जोड़ते जाएंगे ना, फरवरी में कितना दिन बचा, तो लीप वर्ष का झंझट नहीं है तो यहाँ पे 28 हो जाएगा, लीप वर्ष में तो ये साधारण वर्ष में 28 होते हैं, लीप वर्ष में 29 होते हैं, ये तो साधारण वर्ष है ना, तो 28 लेंगे। मार्च में 31, अप्रैल में 30, ठीक है हमको अगस्त तक जाना है ना, अप्रैल, मई में, मई जो होता है 31 का महीना होता है, जून, जून में कितना 30, जुलाई में कितना 31, और जुलाई उसके बाद अगस्त। अब देखिए अगस्त में तो कुल 31 दिन होते हैं लेकिन हमको 15 अगस्त तक ही जाना है, तो 15 अगस्त यहाँ पे लिखेंगे। अब सबको क्या करना है, 7 से भाग देना है, देखिए जोड़ करके 7 से भाग लगाना थोड़ा कैलकुलेशन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, तो आप भी इंडिविजुअल सबको भाग दीजिए जैसे, और शेषफल लिखते जाना है, ठीक है भागफल नहीं लिखना है, शेषफल लिखना है। जैसे 7 से अगर हम 12 को भाग लगाएं तो 7 तो कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 5 बचेगा, 28 पूरा पूरा कट जाएगा 0 देगा, यहाँ पे 3 शेषफल देगा, यहाँ से 7 से भाग लगाएंगे 2 शेषफल देगा, यहाँ 3 शेषफल देगा, यहाँ 2 शेषफल देगा, यहाँ 3 शेषफल देगा, और यहाँ पे 14 कट के 1 शेषफल देगा। अब सबको देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या आया, 5 आया, प्लस 0 आया, प्लस 3 आया, प्लस 2 आया, प्लस 3 आया, प्लस 2, प्लस 3, प्लस 1, सब आ गया ना, 1 2 3, ठीक है ठीक है। अब देखिए अब इसमें जोड़ जोड़ करके जो भी 7 आ रहा है उसको भी हटा दीजिए, जैसे 3 2 5 2 यहाँ पे देखिए 2 3 और ये जो जोड़ने के बाद 2 3 5 और 2 7 ये कट जाएगा, इसको हटा देंगे। उसके बाद देखिए 3 3 6 और 1 7 ये भी कट रहा है, 3 3 और 3 6 और 1 7 बचा कितना 5, ये लास्ट में 5 बचा, ये 5 जो है 7 से भाग नहीं लगेगा। अब इसी 5 को क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, तो 5 में अगर गुरुवार में 5 ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, शुक्रवार शनिवार 5 ऐड कीजिए, गुरुवार में 5 ऐड करना है तो शुक्रवार, ठीक है शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार, क्या आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी, 5 जोड़ने के बाद इसमें क्या आएगा, मंगलवार। ठीक है मंगलवार ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, यदि 21 मार्च 2021 को रविवार था तो 21 जुलाई 2021 को कौन सा दिन था,
जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, 21 मार्च 2021 को रविवार था, ठीक है। तो 21 जुलाई 2021 को सेम डेट दिया हुआ है। अब हमको करना क्या है, तो देखिए मार्च का 21 दिन चला गया, तो मार्च में कितना दिन बचा, 10 दिन बचा, क्योंकि मार्च जो है 31 का महीना होता है, उसमें 21 दिन बचा चला गया, तो कितना दिन बचा, 10 दिन बचा ना मार्च। उसके बाद अप्रैल में देखिए, तो अप्रैल तो पूरा पूरा आ जा रहा है 30 दिन का अप्रैल। उसके बाद मई, मई के बाद जून, उसके बाद जुलाई, जुलाई में 21 जुलाई तक ही जाना है। तो जो डेट हमको निकालना है वो जो दिन वहां लिखा हुआ है, जैसे 21 जुलाई, तो 21 जुलाई तक ही जाएंगे। और इधर जो लास्ट वाला घटा के लिखेंगे और बाद बाकी जितने दिन होते हैं सब कुछ लिख लेंगे। और 7 से डिवाइड देना है, ठीक है। तो ये 7 से डिवाइड देखिए, शेषफल यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे शेषफल तो 3 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 2 होगा, और यहाँ पे 0 देगा, क्योंकि 21 जो है 7 से कट के 0 शेषफल देता है ना। तो अब देखिए ये 3 2 3 2 आ गया। अब इसमें 7 का जोड़ फिर बनेगा, जैसे 2 और 3 और 2 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 3 और 2 5 और 2 7, ये टोटल कट जाएगा क्योंकि 7 दे दे रहा है। उसके बाद लास्ट में क्या बचा, 3 बचा। यही 3 को क्या करना, इस रविवार में ऐड कर देना है। तो 3 अगर रविवार में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, बुधवार आपका आंसर बनेगा। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या है 12 अगस्त 2001 को कौन सा दिन था। अब आपको हम बताए थे महीने का कोड बताए थे, ठीक है, दिन का कोड बताए थे, शताब्दी वर्ष का कोड बताए थे। तो अब यहाँ पे सब चीज का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको शताब्दी कोड निकालना नहीं आता है तो पीछे वाले वीडियो में देखिए, उसमें बताया गया है, ठीक है। देखिए 12 अगस्त 2001 को कौन सा दिन था, तो देखिए 12 अगस्त, इसको बनाने का तरीका समझिए, 12 अगस्त 2001 कौन सा दिन था। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है ऐसा ऐसा। सबसे पहले ये 12 लिखेंगे प्लस अगस्त है, तो अगस्त का कोड आपको बताए थे, कोड महीने का कोड क्या था, 144 025 036 146, ठीक है, ये महीने का कोड था। तो यहां से देख लीजिए अगस्त का क्या आ जाएगा, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त का 3 आ रहा है, तो अगस्त का कोड हम लिखेंगे। अब देखिए ये जो है शताब्दी वर्ष अलग करेंगे हम, यहाँ पे शताब्दी वर्ष 2000 आ जाएगा और 1 अलग हो जाएगा। अब शताब्दी वर्ष का कोड आपको बताए थे, शताब्दी वर्ष का कोड अगर निकालने नहीं आता तो पीछे वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा आप लोग। शताब्दी वर्ष का कोड यहाँ पे 2000 जो है उसका कोड 6 होता है, ठीक है, ये निकालने का बहुत बढ़िया तरीका हम बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा शताब्दी वर्ष का कोड, और ये वर्ष को लिखेंगे, 2000 के बाद जितना वर्ष होगा वो लिखेंगे। और एक और काम करना है, इस वर्ष को 4 से भाग लगा के हम देख लेंगे, ये जो 1 है इसको 4 से भाग लगा के देख लेंगे कि लीप वर्ष इस वर्ष में कितना आ रहा है। तो देखिए 4 से 1 तो कभी भाग लगता नहीं है, तो भाग लगेगा नहीं, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0, लीप वर्ष क्या है यहाँ पे 0 हम मान के चलेंगे, ठीक है। अब सबको भाग दीजिए 7 से और शेषफल लिखते जाना है। तो आपको हम क्या बोले थे, अलग अलग भाग देना है, सबको जोड़ के भाग लगाइएगा, डिजिट बड़ा हो जाएगा जो कैलकुलेशन आपको हार्ड कर देगा, ठीक है। तो 7 से अगर हम 12 को भाग देंगे शेषफल कितना आएगा, 5, ये 3 है और ये 6 है और ये 1, तो भाग तो लगेगा नहीं 7 से, ठीक है, भाग नहीं लगेगा 7 से। तो आगे क्या हो जाएगा, ये सबको जोड़ दीजिए और 7 से भाग लगा दीजिए, तो 5 और 3 को ऐड कीजिएगा कितना हो जाएगा, 5 3 6 और 1 को ऐड कीजिएगा कितना हो जाएगा, 8 6 कितना हो जाएगा, 14 और 1 15 ना, 15 बाई 7 और हमको क्या लिखना है, शेषफल लिखना है, क्या लिखना है, शेषफल लिखना है। तो शेषफल यहाँ से 1 आएगा। अब आपको हम बताए थे 1 का कोड भी बताए थे, मतलब दिनों का कोड बताए थे, दिनों का कोड क्या होता है समझे, दिन का कोड क्या होता है फिर से एक बार हम लिख दे रहे हैं, सोमवार का कोड क्या होता है, एक मिनट, रविवार शनिवार से हम लेंगे, ठीक है, शनिवार का कोड क्या होता है, शनिवार का कोड होता है 0, रविवार का 1, शनिवार से स्टार्ट करेंगे 1, रविवार का 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, गुरुवार का 5 और शुक्रवार का 6। देखिए ये कोड है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है,
तो जो एक शेषफल आ रहा है इसका मतलब एक किसका कुड़ है, रविवार का ना, तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है कि 12 जुलाई 2011 को कौन सा दिन था, इसको निकाल के देखिए क्या आ रहा है। इसको निकालिए, ठीक है देखिए इसको निकालते हैं, 12 जुलाई 2011 को कौन सा दिन था, तो 12 जुलाई ना, 12 जुलाई 2011, तो 12 को लिखेंगे प्लस जुलाई, जुलाई का वर्ष का कोड क्या होता है, तो बताया था आपको 144 025 036 146। देख लीजिए जुलाई का क्या होगा, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई का क्या हो जाएगा जीरो, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है जीरो लिख लेंगे। अब 2011 को 2000 अलग करेंगे क्योंकि शताब्दी वर्ष है और 11 को अलग करेंगे, 2000 का कोड 6, ठीक है 11 को एक बार 11 लिखेंगे और एक बार 11 को 4 से भाग लगा के देख लेंगे कि मेरा लीप वर्ष 11 वर्ष में कितना आ रहा है। तो 11 को जब हम 4 से भाग लगाते हैं, तो 4 से अगर हम भाग लगाते हैं तो 2 बार में कितना 8। अब हमको शेषफल कुछ भी आए उससे हमको मतलब नहीं है, ये भागफल से मतलब है क्योंकि यहाँ पे हम लीप वर्ष भी लिख रहे हैं, तो लीप वर्ष इसमें कितना आ रहा है 2, ठीक है। अब सबको 7 से भाग लगाना है लेकिन अलग अलग, 7 से अगर हम इसमें भाग लगाते हैं तो शेषफल कितना बचेगा 5, ठीक है अब तो कोई भाग नहीं लगेगा, 11 लग रहा है, 11 भाग लगेगा तो 7 से 11 को भाग लगाएंगे 7 चला जाएगा यानी कि 4। अब सबको ऐड कर दीजिए 6 और 4 10 और 2 12 और 5 17 17 बाई 7 17 बाई 7, इसमें शेषफल क्या आएगा, तो शेषफल जब हम फिर 7 को 17 से भाग देंगे तो शेषफल मेरा 3 आएगा, और 3 पे आपको कोड बताए थे, 3 किसका कोड होता है, तो बुधवार का होता है, हाँ बुधवार का होता है, ठीक है। तो क्या आया आपका आंसर, एक मिनट, सोमवार रविवार मंगलवार और शनिवार, तो 7 से भाग लगाए 3, ठीक है गलती कहीं हो रहा है, शनिवार का कोड 0, रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार, मंगलवार का 3 होता है, बुधवार नहीं, बुधवार का तो 4 होता है ना, तो क्या हो जाएगा मंगलवार, मंगलवार आपका आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर बनेगा मंगलवार, मंगलवार यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है कि 22 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 22 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था। ठीक है सबसे पहले हम क्या बोले कि पहले हमको डेट लिखना है, फिर जनवरी का कोड, तो कोड लिखने से पहले यह ध्यान दीजिए लीप वर्ष है, 2016 लीप वर्ष है, तो 2016 जब लीप वर्ष है तो इसका कोड अलग होता है, लीप वर्ष का कोड क्या होता है अलग होता है, क्यों अलग होता है, जनवरी फरवरी का सिर्फ एक एक कम हो जाता है, जो हम आपको जनरल कोड बताए थे 144 025 036 बताए थे, उसमें जनवरी और फरवरी में एक एक कम हो जाता है, तो एक कम होगा तो क्या हो जाएगा 03 4 02 5 0 3 6 1 4 6, तो जनवरी का कोड इसमें क्या आ रहा है 0, क्योंकि लीप वर्ष है, अगर यही साधारण वर्ष रहता, साधारण वर्ष का, साधारण वर्ष अगर कहता 144 हो जाता 025 036 146, ये साधारण वर्ष का कोड है और ये लीप वर्ष का, तो लीप वर्ष है 2016, 4 से भाग लगाइएगा 2016 पूरा पूरा कटेगा, ये लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में जनवरी का कोड 0 प्लस ये 2000 अलग और ये 16 अलग, 2000 का कोड 6 प्लस 16 प्लस 16 को हम 4 से एक बार भाग लगा के देखेंगे कि कितना लीप वर्ष आ रहा है, तो 4 से 4 बार में 16 कट जाएगा, डिवाइड पूरा पूरा लग जा रहा है, यानी कि ये जो 4 जो है इसमें 4 16 वर्षों में 4 वर्ष लीप वर्ष है। अब सबको क्या करना है 7 से डिवाइड दे देना है, अरे बस समझ में, 7 से डिवाइड दीजिएगा तो यहाँ पे 21 खत्म हो जाएगा, एक शेषफल देगा, ध्यान रखना है हमेशा हमको शेषफल लिखना है,
ठीक है, जीरो और छह और चार तो लगेगा नहीं, 16 लगेगा, 14 और 2, यानी कि ये कितना हो जा रहा है जोड़ जाड़ के, 6 4 10 और 2 12 और 1 13, 13/7। अब 13/7 करेंगे तो शेषफल मेरा कितना देगा, जब 13 में 7 से भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना देगा, 6, 6 है ना, 6, यानी कि शुक्रवार, शुक्रवार आएगा आंसर। ठीक है, तो शुक्रवार में क्या है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है कि 28 अगस्त 1996 को सप्ताह में कौन सा दिन था, 28 अगस्त 1996 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, 28 अगस्त 1996 कौन सा दिन था, तो सबसे पहले हम 28 लिख लेंगे, अगस्त का कोड क्या होता है, तो 144 ऐसे करके, 144 025 036 146, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त का क्या हो जाएगा, 3 हो जाता है, प्लस ये 1900 अलग और 96 अलग, 1900 का कोड आपको बता दिया गया है, 1900 का कोड क्या होता है, 1900 का कोड होता है 0 ना, 0, ठीक है, प्लस 96 लिखेंगे, प्लस 96 को 4 से भाग लगा के देख लेंगे कि कितना मेरा लीप वर्ष आ रहा है, तो 4 से जैसे ही भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 बार में 8, 1 आया, ये 6, ये कितना बार में, 4 बार में, ठीक है, कट गया 24, यहाँ 24 दिया। अब सबको क्या करेंगे, सबको क्या करेंगे, 7 से भाग लगाएंगे ना, 7 से भाग लगाएंगे तो कितना बार में कटेगा, ये देखिए एक कट के पूरा पूरा 0 शेषफल दे देगा, ये 3 ने ले भाग लेगा, ये 96 भाग लगेगा, कितना कट करके शेषफल कितना देगा बताइए, 5 देगा ना, शेषफल 5, और इधर 24 है, 7 से 24 21, यानी कि कितना इसमें बच जाएगा, 3 शेषफल देगा। अब सबको जोड़ दीजिए, 5 3 3 5 8, 8 3 कितना, 11, 11 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे और शेषफल लिखेंगे, शेषफल कितना हो जाएगा, 11 से 7 को डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना हो जाएगा, 4 ना। अब 4 पे कोड किसका होता है, तो रविवार का 0 1 होता है, सोमवार का 2, मंगलवार का 3 और 4 होता है बुधवार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बस इतना ही क्वेश्चन था, इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो ठीक है, फिर हम लोग अगले क्लास में देखते हैं, अगले कुछ क्लास में देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, और आपको अगर बढ़िया लग रहा है क्लास तो लाइक सब्सक्राइब करें। ठीक है, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।